chairman sir, Zindabad. Governor sir, Zindabad. Governor sir, Zindabad. JK Bank, Zindabad. Kala kanun, wapas karo. Kala kanun, wapas karo. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Awaaz lenge. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Hamari mange puri karo. Hamari mange puri karo. Hamare saath insaaf karo. Hamare saath insaaf karo. Hamare saath insaaf karo. Hamare saath insaaf karo. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Hamari mange. Main present posting is waqt Amira Kadal mein hu, lekin jab lockdown hua tha उस लॉकडाउन के दौरान भी हमें घरों से निकाला गया और हमने भी उस टाइम भी हमने ड्यूटी ईमानदारी से ड्यूटी अपनी की, तब भी हमारा किसी ने नहीं सोचा और फिर इतना करने के बावजूद हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है। क्यों हो रही है, ये कौन कर रहा है? और जो ये नई कंपनी इस टाइम आई हुई है, ये हमारे से इस वक्त रजिस्ट्रेशन मांग रही है 15-15 हज़ार रुपया, किसी से बोल रही है 30-30 हज़ार रुपया। ये कौन सी नाइंसाफी हो रही है, ये कौन सी चोरी हो रही है, ये कौन सी डकैती हो रही है, ये कर क्या रहे हैं? हमारी गुजारिश है चेयरमैन साहब से इस बात की तरह पूरा तवज्जा दें। हमारी सैलरी जो है उसको ऑलरेडी कम किया जा रहा है। सैलरी यहाँ क्या एटीएम गार्ड्स वगैरह जो भी ब्रांचों में थे वो इस वक्त 8,000 चाहे 7,500 ले रहे थे, वो तनहा इस वक्त और कम कर रहे हैं। गनमैन की इस वक्त 2500 रुपया उन्होंने कम किया है। एटीएम गार्ड्स की इस वक्त 2200-2300 रुपया कम किया उन्होंने, इनको तनख्वाह बढ़ाना चाहिए। और हमारी ये गुजारिश है कि अगर ये अपने साथ कंपनी अगर ना रखे, अगर बैंक अपने साथ हमें ले जाए तो सबसे बेहतर वही रहेगा। डिमांड यही है हमारी, तनख्वाह हमारी कट नहीं होना चाहिए, कोई इसमें कटौती नहीं होना चाहिए, ये हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है।